एटीएममधून पैसे मिळतात हे साऱ्यांनाच माहिती, मात्र एटीएममधून औषधं मिळतात असं तुम्हाला सांगितलं तर कदाचित तुमचा विश्वास बसणार नाही. मात्र हे खरं आहे, दिल्लीत असं एटीएम आहे जिथून औषधं मिळतात. दिल्ली सरकारनं स्थापन केलेल्या मोहल्ला क्लिनिकच्या माध्यमातून सरकारनं एटीएमसारखी मशीन बसवली आहे. या मशीनमध्ये एटीएम कार्ड नाही तर औषधाचं प्रिस्क्रिप्शन दाखवावं लागतं. हे प्रिस्क्रिप्शन दाखवल्यानंतर तुम्हाला हवं असलेलं औषध मशीनमधून बाहेर येतं. या MVM अर्थात ऑटोमेटेड मेडिसिन वेंडिंग मशीनमधून 50 विविध प्रकारची औषधं उपलब्ध होतात. या मशीनमुळे कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त रुग्णांवर उपचार करणं सहज शक्य होतं. आमच्या झी मीडियाच्या प्रतिनिधी यशस्विका मल्होत्रा यांनी घेतलेला आढावा पाहूया. अभी तक आपने एटीएम में से पैसे निकलते हुए देखे थे, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक्स में अब एटीएम नुमा एक मशीन लगी है जिसमें से दवाइयां निकलती हैं. हम इस वक्त पहुंचे हैं टोडापुर के मोहल्ला क्लिनिक में और ये जो मशीन है यहां पर लगाई गई है जिसमें से दवाइयाँ निकलती हैं. और किस तरह इसका प्रोसेस होता है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे. यहाँ पर पहले जो पेशेंट होता है उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, अपनी बीमारी जो है बतानी पड़ती है. डॉक्टर साहब, मेरे को जो है गले में थोड़ा सा खांसी की जो है तकलीफ हो रही है कल रात से, तो उसके लिए बताना चाहिए. इस तरह से ये जो टैब है इसके अंदर पहले रिकॉर्ड जो है वो सेट किया जाता है, पेशेंट का फोटो क्लिक की जाती है और उसकी डिटेल्स जो हैं वो ली जाती हैं. अब ये जो टैब है इसमें जो मेरा रिकॉर्ड है वो पूरी तरह से सेट हो चुका है. अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी आती हूँ तो बार बार जो है डॉक्टर को मेरा नाम नहीं पूछना पड़ेगा और जो मेरी हिस्ट्री है वो इस टैब में निकल आएगी. पेशेंट की जांच कर ली जाती है, उसके बाद इस टैब में जो है उसमें जो दवाई पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जा रही है वो यहाँ पर डिटेल डाली जाती है, ताकि अगली बार जब पेशेंट आए तो ये भी पता चल सके कि लास्ट टाइम उसे कौन सी दवा जो है वो प्रिस्क्राइब की गई थी. ये एक प्रिस्क्रिप्शन है जो मुझे दी गई है, इसके साथ ही यहाँ पर एक बारकोड बना हुआ है. ये बारकोड जो है इस मशीन के सेंसर के आगे लगाया जाता है. ये मशीन जो है इस टैब से कनेक्टेड है, उसके बाद ये जब बारकोड इस मशीन के आगे दिखाया जाएगा एक आवाज़ आएगी और उसके बाद ये मशीन में से जो दवा है वो निकल रही है, ये आप देख सकते हैं. और उसके बाद यहाँ से नीचे मशीन में से दवाई जो है वो कलेक्ट की जा सकती है. काफ़ी सहूलियत जो है मरीजों के लिए हो रही है और जो एक ट्रांसपेरेंसी है दवाई लेने में वो ज़रूर देखी जा रही है. कैमरामैन जयदीप के साथ यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली. सहूलियत है क्योंकि पहले हमें लाइन में लगना पड़ता था, थोड़ा टाइम भी वेस्ट होता था. अब इसकी वजह से हमारा टाइम भी बच जाता है और दवाइयाँ भी अच्छी होती हैं. ये हमारे काम में भी बहुत सहूलियत हो गई है. कम से कम एक पेशेंट पे 20-25 मिनट लगते थे हमारे, जैसे डॉक्टर साहब देखने के बाद हमारे पास भेजते थे तो उसको हर वो एक एक दवाई हमें ऐसे ऐसे निकाल के देनी पड़ती थी. अब ऐसे होता है एटीएम मशीन से, जो ये MVM मशीन है इससे निकलती है, डायरेक्ट पेशेंट को समझाना पड़ता है. बस हमें टाइम की बचत हो गई है इससे काफ़ी. जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई हैं वो उसको मिलेंगे, क्योंकि ये मशीन जो है 100% जो है ट्रांसपेरेंसी शो करता है. पेशेंट में जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो चुका है. पेशेंट महसूस करता है कि हाँ, सरकार जो है हमारे लिए कुछ कर रही है. तो ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मोहल्ला से जो है पेशेंट्स औरों को भी रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका, वो भी आ रहे हैं. क्यूरियोसिटी है, क्या नाम है, इस तरीके से मेडिसिन लेने की. तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इसका इम्पैक्ट है सोसाइटी में. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.